हे हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा कि हिट मशीन और भोजपुरी सिनेमास खेसारी लाल यादव ने हाल ही में इंडिया न्यूज़ पे बहुत ही लंबा और बेबाक इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें खेसारी लाल यादव भोजपुरी भाषा, भोजपुरी इंडस्ट्री और बिहार सरकार के साथ साथ रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ और पवन सिंह को लेकर भी खुल के बोले हैं। दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने अपने इंटरव्यू में सबों को लेकर सभी मुद्दे पर ऐसे बेबाक अंदाज में बोले हैं, जिसे जानने के बाद आप सबों के मन में खेसारी लाल यादव को लेकर और अधिक इज्जत बढ़ जाएगी। खेसारी लाल यादव का छवि, इमेज और अच्छा बन जाएगा। रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी को लेकर खेसारी लाल यादव बोले कि वो तीनों मेरे बड़े भाई हैं और मुझ पर भरोसा कर मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री का बागडोर मेरे हाथ में दिया है, ताकि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाऊं। और वहीं बिहार सरकार व नीतीश कुमार को लेकर खेसारी लाल यादव बोले कि मैं चाहता हूँ कि बिहार सरकार को भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, बिहार राज्य में भव्य भोजपुरी इंडस्ट्री का निर्माण करना चाहिए, ताकि बिहार के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों के लोगों, बेरोजगारों को काम मिले। साथ ही पवन सिंह को लेकर खेसारी लाल यादव बोले कि पवन सिंह भी मेरे जैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, खेसारी लाल यादव के सोच को, उनके समझ को, खेसारी लाल यादव के समंदर जैसे बड़े दिल को मेरा सलाम। वैसे आप सब क्या कहना चाहेंगे खेसारी लाल यादव को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आप सबों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड विशेस फॉर गुड लक।